महाराज जी, आपके सत्संग में सुना है कि भगवान के भजन करने वाले को त्रिभुवन में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। महाराज जी, पर फिर भी वैष्णो देवी जाते समय बस खाई में क्यों गिर गई? अमरनाथ और केदारनाथ देखो बच्चा, कई बार बर्फबारी हो गई। देखो बच्चा, सकामता के लिए न जाने कितने कुकर्म किए हैं और उसी सकामता के लिए जा रहे हैं। उसी सकामता की प्रारंभिक ना निरंतर भजन करने वाले हैं, न ये शरीर समर्पित है, न मन समर्पित है, न प्राण समर्पित है, तो भी उनका मंगल हुआ, क्योंकि वो जा रहे हैं वैष्णो देवी। मरना तो था ही उनको, पर मरे वैष्णो देवी में, उनका मंगल हो गया बच्चा। वो कोई भगत इस कोट के नहीं जिस कोट की बात हम जो सत्संग में करते हैं, बाल बांका का मतलब, अब उनका भी बाल बांका हुआ क्या? उनको यमदूत ले जाएंगे क्या? वो नरक जाएंगे क्या? क्योंकि उनका लक्ष्य था माँ भगवती के दर्शन करने। इतने बड़े तपस्वी नहीं थे, इतने बड़े महात्मा नहीं थे, उन्होंने मनोनिग्रह नहीं किया था, लेकिन जो ये सब करने का फल मिलता है वो उनको मिल गया। शरीर तो छूटना ही था, शरीर की एक अवधि है। अगर 60 वर्ष की आयु है तो सेकंड नहीं बढ़ा पाओगे। इसको निगेटिव के लेते हो, नकारात्मक सोच में के लेते हो। आप वृंदावन आए, आप रिक्शा में बैठे, रिक्शा पलट गया, हाथ टूट गया। अब आपको लगेगा कि मैं वृंदावन आया, भगवत मार्ग में कदम रखा, यार हमने यहाँ क्या पाप किया जो भैया हमारा हाथ टूट गया? हाँ, तुम्हारी गर्दन टूटनी थी, तुम्हारी नस नस टूटनी थी, अब एक हाथ टूट करके